में तकती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करना बंद करो, इसके साथ एक केंद्र सरकार होश में, और इस तरीके से कई ऐसे बैनर है जो यहाँ पर लगे हुए हैं। कई लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देख सकते हैं। चलिए लोग से बातचीत करते हैं। तो हम एक है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। दादा आज आप लोग राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है? हम लोग ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग जंगल को काट के हम लोग वहां रहते हैं। ये लोग को काज की प्रक्रिया और डरावा धमकावा सीबीआई जांच हम लोग नहीं डरेंगे। केंद्र सरकार का मनमानी सरकार और अपना नीति और सिद्धांत से जहां जहां केंद्र सरकार का शासित राज नहीं है वहां वहां सीबीआई भेजता है, जहां बीजेपी के शासन सरकार है वहां पर क्यों नहीं भेजता है? आज मणिपुर में आदिवासी महिला के निवास को घुमाया गया, वहां पर केंद्र सरकार सीबीआई क्यों नहीं जांच करा रहा है? मध्य प्रदेश में आदिवासी में पेशाब किया गया, वहां सीबीआई क्यों नहीं जांच कराता है? हसरत में एक बेटी को बलात्कार और उसका अंतिम संस्कार नहीं कर देता, वहां पर सीबीआई क्यों नहीं भेजता है? नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा करोड़ों रुपया का लेन देन करता है, सीडी उसका वायरल हुआ, वहां सीबीआई जांच क्यों नहीं करता है? ये आदिवासी मुख्यमंत्री है, सीबीआई बीजेपी का यहां से जमीन खिसक गया है, उसके बाद चुनावी एजेंडा कुछ नहीं है, इसलिए वो अपना जमीन तलाशने के लिए, सत्ता पाने के लिए मुख्यमंत्री को परेशान कर रहा है, यहां आदिवासियों को मन को प्रताड़ित कर रहा है। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। स्पष्ट रूप से कहना है कि मणिपुर में जो घटना सामने आई थी, महिलाओं को निवास करके घुमाया गया, वहां पर सीबीआई जांच नहीं हुई। साथ ही इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में जो घटना सामने आई थी, दलित के ऊपर पेशाब की घटना सामने आई थी, उस वक्त केंद्र सरकार ने चुप्पी साध दी, तो यहां पर सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परेशान किया जा रहा है। तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो कई सवाल लेकर फिलहाल यहां पर जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि देखिए किस तरीके से तमाम जो आदिवासी संगठन है वो एक साथ एकत्रित हुए हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इनका ये कहना है कि जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री को डराया जा रहा है, यहां पर आदिवासी की सरकार है, यानी कि इनका कहना है कि यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डराया जा रहा है। ईडी की ओर से लगातार उन्हें समन जारी किया जा रहा है। मणिपुर की घटना को इन्होंने उल्लेख किया है कि मणिपुर की घटना में जिस तरीके से बात सामने आई, कई महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया, तो वहां पर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही, इसके साथ ही कई घटना का इन्होंने वर्णन किया है। फिलहाल ये देखिए तस्वीर, हम जरूर और भी कई लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए जहां आपकी नजर जा रही होगी वहां पर सिर्फ आदिवासी समाज के लोग आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि आज उन लोगों की रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा है, और ऐसे में जो आदिवासी समुदाय है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री को सिर्फ डराया जा रहा है। देखिए अलग अलग जो आदिवासी समुदाय है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, 6 जिलों से यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और भी कई लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर आज आप लोग पहुंचे हैं राजभवन का घेराव करने, क्या मामला है? हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। हम लोग कोरिमारी से आए हुए हैं। हेमंत सोरेन को कहाँ से परेशान किया जा रहा है? एडी सब को परेशान किया। आप लोग राजभवन का घेराव करने के लिए निकली हैं, आगे रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या करना है? कई लोग हैं, क्या करना है? अब आप लोगों को रोक दिया गया है, कैसे आप लोग राजभवन का घेराव कीजिएगा? अभी हम लोग हेमंत सोरेन के समर्थन में आए हैं। हम लोग बड़का गांव प्रखंड हजराबाग जिला से आए हैं। हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। समन पे समन, 8वां समन जारी किया गया, इसके विरोध में हम लोग आए हैं। हम लोग का आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान नहीं किया जाए, और केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग ईडी के खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग आज आए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्थन करने, आप लोगों का कहना है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसा आप लोगों को क्यों लग रहा है? हम लोगों को लग रहा है क्योंकि उन्हें होंगे, हम लोग इसी के लिए ना परेशान किया जाता है, इसी के आए हुए हैं।
बताइए कि आज राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंची है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा, क्या कीजिएगा और क्या मामला पता है उनका? हेमंत सोरेन को परेशान किया, पीड़ित किया जाता है, इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हजारीबाग से जिला मैसेज देना चाह रही हैं आप लोग? हम लोग क्या मैसेज कर रहे हैं, उसे परेशान ना किया जाए। लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से आदिवासी समुदाय एकत्रित हुए हैं। इससे पहले ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में ये लोग एकत्रित हुए थे और अब राजभवन के समक्ष जरूर पहुंच गए हैं। बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है क्योंकि इनकी ओर से पहले ही बता दिया गया था कि ये लोग आज राजभवन का घेराव कर